गुड मॉर्निंग डे फोर एंड आज हम लोग जा रहे हैं दूध सागर। और ये है कि मतलब सुबह के 6 बजे हम लोगों को निकलना पड़ा, तो 5:30 बजे तैयार मतलब होने के लिए टाइम ही नहीं था। जैसे तैसे करके भाग के आना पड़ा क्योंकि बस आ गया था, और इसके वजह से हम लोग मतलब सही से तैयार भी नहीं हो पाए। सामान लेके आ गए कि हाँ ठीक है रास्ते में तैयार होके जाएंगे। तो अभी हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और दूध सागर के लिए हम लोगों ने एक पैकेज बुक कर लिया क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कैसे जाना है, क्यों और हम लोग टाइम भी नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली गोवा के लिए तो इसे महीने के लिए नहीं आए हैं, तो जल्दी जल्दी घूम के जाना है हम लोगों को, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो अभी दूधसागर पहुँच के वहाँ पे बात करेंगे। सुबह भी टाइम नहीं था क्योंकि बस की वजह से मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, इसलिए मैं बना रही हूँ। अभी 8 बज गया है, तो चलो वहाँ पर पहुँच के बात करते हैं। कैपेसिटी रहता है उधर 2000 हो गया, ये घंटे का ब्रेक देता है, एक बार चेकिंग करते करते उसको टाइम लगता है वो गेट। तो अब हमारे टूर गाइड हमें गाइड कर देते हैं कैसे जाना है, क्या करना है और क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, तो इसलिए हम लोगों को वहाँ पे रुकना पड़ा। और उनका जो गाइड है जो वो हम लोगों को टिप्स दे रहे थे वो हमको फॉलो करना है। तो अभी हमारा गाड़ी निकल गया, तो चलो अभी चलते हैं दूसरा गाइड। पूरा रास्ता ना पानी, पहाड़, झरना, मतलब नेचर का मतलब अलग लेवल की भरा हुआ है यहाँ पे। तो एक बार तो ज़रूर ही आना चाहिए, मतलब ये जगह देख के ना मज़ा आ रहा था, तो डेफिनेटली अब इस जगह को आना चाहिए। फाइनली अब ये है दूधसागर का गेट और हम इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो इतना रास्ता घूम घूम के आने के बाद हम लोगों को मिल गया दूधसागर। तो फाइनली अब हम लोग हैं दूधसागर में, और अभी हम लोगों को लाइफ जैकेट दिया गया है पहन के जाने के लिए। तो चलो देखते हैं मतलब पहनना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि रास्ता भी है, पानी से जाना नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं। चेंजिंग रूम भी है, मतलब अच्छा चीज़ है, यहाँ पे चेंज करके भी जा सकते हैं कपड़ा वगैरह, क्योंकि 90 मिनट्स वो दे रहे हैं नहाने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पे सबको लाइफ जैकेट पहना गया अंदर जाने के लिए। ये पहाड़ चढ़ना है सीरियसली, तो बैंड बज रहा है गर्मी, फिर पहाड़ मतलब देख के चढ़ना पड़ता है, अगर इधर उधर थोड़ा हो तो कहीं पे गिर जाएंगे, लग जाएगा, तो बेटर है देख के जाएंगे। कितना क्यूट है ना, लेकिन ये एक बंदर को देखो, इसको छेड़ना ही है। वाटरफॉल की वजह से हम लोगों को गर्मी मतलब हाँ ठीक है मैनेज कर सकते हैं, सब नहा रहे मन कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर्दी हो गया है, कल भी नहा चुके थे, अभी फिर से नहाएंगे तो फिर से सर्दी हो जाएगा, इसलिए और भी एक दिन रुकना है, इसलिए सोच के करना पड़ता है, तबीयत खराब हो जाएगी तो कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं जाए या नहीं। और यहाँ पे मतलब लोग इतने हैं यहाँ पे, सब नहा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे बैठे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब अभी नहा रहे हैं, तो यही देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे एक बैरिकेड जैसे सब डाल के रखे हैं, मतलब उस तरफ पागेरा है तो इसलिए डाल के रखे, और सब लोग इधर ही है। हमारा पैकेज मतलब हमने पैकेज बुकिंग किया था, आई थिंक सब यहाँ पे जितने आए हैं सब वैसे ही आए ऑलमोस्ट,
तो यहाँ पे मतलब एक टाइम खाना प्रोवाइड करते हैं, लंच प्रोवाइड करेंगे और ऑब्वियसली वो लोग मतलब गाड़ी प्रोवाइड करेंगे और क्या, मतलब 3 घंटा टाइम देते हैं, उसके अंदर आपको सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। बस नहाने के लिए 90 मिनट मिल देते हैं, मतलब 90 मिनट। तो चलो देखते हैं। ऐसे हुआ है कि मेरे ग्रुप में जितने सारे थे, हम लोगों को बोला गया था कि कोई किसी से अलग मत होना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब आगे निकल चुके हैं। मुझे नहीं पता है कि सब आगे निकल चुके हैं या मेरे मतलब वो पीछे हैं, ये नहीं पता। और वो बोले थे कि टाइम पे पहुंचा नहीं तो गाड़ी छोड़ देगा, तो अभी पता नहीं क्या होगा। मुझे, मैं निकल रही हूँ यहाँ से और एक तो जूता नहीं पहनी हूँ क्योंकि मैं गीला पूरा हूँ और इसके वजह से मैं शूज़ नहीं पहन सकती। और मैं अभी निकल रही हूँ, पैर में बहुत चुभ रहा है, वो मिट्टी वगैरह कंकड़ मिट्टी सब चुभ रहा है। तो एक तो पानी बहुत ही ठंडा था इसलिए सर गिला करने में डर लगा, और हाँ वहाँ पे नहा के बहुत ही मज़ा आया, टाइम ही नहीं पता चला कितने जल्दी निकल गया वहाँ से। तो अभी मैं कैमरा नहीं देख सकती हूँ, अगर कैमरा देखूँगी तो नीचे पत्थर है, कहीं पे गिर जाऊँगी, इसलिए मैं नीचे देख के चल रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं उन लोगों को कॉल भी नहीं कर सकती क्योंकि फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि अलग मत होना ग्रुप से। लेकिन मैं पानी में खेल रही थी, नहा रही थी, तो मतलब मैं पानी में ओब्वियसली मज़ा आ रहा था, तो मुझे टाइम का पता नहीं चला। मुझे बुला रहे थे, बोले हाँ 5 मिनट में आती हूँ बोल के, मैं ही लेट कर दी। तो चलो, यहाँ पे एक नेटवर्क का इशू है, फिर हम बात मतलब फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं पता, वो लोग तो पक्का मुझे ढूंढ रहे होंगे और मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ पे हैं, आगे पीछे कहीं पे तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। और ये है कि अभी ये लाइफ जैकेट भी निकाल भी नहीं सकते क्योंकि पूरा हाथ भरा हुआ है, इसको निकालूंगी तो इसको कहाँ डालूँ, इसलिए पहन के निकल रही हूँ यहाँ से। ये रास्ता भयंकर है, चल मतलब रास्ता ही नहीं है ऐसा लग रहा है। आते हम लोगों ने गन्ना जूस पिया और यहाँ पे अभी मैं अपने दोस्तों को वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी गीला हूँ, तो मैं कपड़ा, मेरे कपड़ा दोस्तों के पास है, वो लोग आएंगे तो उनसे लेके चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पानी में नहाया था, तो ऑब्वियसली। और हाँ, मेरे दोस्त लोग पहुँच गए थे, वो लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे, अभी आगे पहुँच के अभी खाना खाने के लिए जाएंगे। तो देखें खाने में क्या मिलता है। अच्छा लगा वो जगह एक्चुअली, मतलब मैं यहाँ पे बात की, हमारे जो ड्राइवर था उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हर सीज़न ही ओपन रहता है। हाँ, रेनी सीजन की जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और उस टाइम गाड़ी वगैरह नहीं लेके जाते, ट्रैकिंग वगैरह करके जाना पड़ता है। तो वो बोल रहे थे कि मतलब परफेक्ट सीज़न रेनी सीजन है क्योंकि ट्रैकिंग करके जा सकते हैं और वो जगह मतलब अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते, मतलब नेचर को अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं, यही था। और ट्रैकिंग के लिए मैं पूछी गाइड वगैरह कहाँ पे मिलते हैं, तो बोले कि वही लोग ही गाइड है, वही लोग गाइड करेंगे। तो अगर आप लोग आते हो, आपको कौन से सीजन में आना है आप देख के आना। लेकिन पानी बहुत ठंडा था, लिटरली पानी में पैर देने में जो लगा और मज़ा, लेकिन बहुत आया। तो आ गए, मतलब मैं अपना कपड़ा चेंज करके अभी यहाँ पर आ गए लंच करने के लिए। तो ये है, मतलब वो लोग हम लोग को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा पैकेज लिया तो वो प्रोवाइड ही करेंगे, सो वो इंक्लूड था। और अभी हम लोग आए हैं लंच करने के लिए जंगल बुक में। यहाँ का खाना कैसा होगा वो तो पता नहीं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ट्रिप में बहुत ही कम जगह पे अच्छा खाना मिला है, तो यहाँ का पता नहीं। लेकिन चलो चलते हैं, कुछ भी हो खाना तो खाएंगे, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, चलो चल चलते हैं।
आके अपना प्लेट लेके जाओ, फिर जो खाना पसंद है वही खाना लेके आना। तो मुझे ऑब्वियसली चिकन खाना, तो ये मैं चिकन लेके आई। तो ये है प्लेट में, ये सब ही मिलता है खाने में। तो खाना अच्छा था, कोई ख़राब नहीं था। अभी हम लोग लंच करने के लिए स्पाइस गार्डन आए थे और खाना अभी ख़त्म हो गया, अभी आइसक्रीम खा के निकल रहे हैं। तो एक्चुअली वो गाइड लोग बुलाए थे, मतलब गार्डन देखने के लिए, स्पाइस गार्डन, लेकिन हम लोग मतलब लेट हो गए थे। अभी वो बुला रहे हैं जाने के लिए, तो जाना पड़ेगा, घूम नहीं पाई ये जगह, लेकिन ये जगह अच्छा था। चलो चलते हैं। हम लोग रूम पे पहुंच गए, तो अभी फिर से फ्रेश होके फिर सोच रहे हैं कि कहाँ पे नेक्स्ट जाना है। आपको तो पता होगा कि जो पीछे बैठे हैं वो मैप ही देखते हैं और डायरेक्शन देते हैं, तो वही मैं भी वही काम कर रही हूँ अभी। तो अब हम लोग दूधसागर से रिटर्न होके रूम गए थे, के बाद फ्रेश होके फिर तैयार होके जा रहे हैं चर्च। और सिंघम मूवी एक जगह पे शूटिंग हुआ था, वो जगह का नाम तो मुझे नहीं पता है, उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे अभी रुके हैं कुछ टिफिन खाने के लिए, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे उस जगह पे, चर्च जाएंगे अभी। चलो खाना खा के निकलते हैं। हम लोग आए थे फैंटस, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बोल रहे थे, मतलब सुनी थी कि ये जगह मतलब कलरफुल है ये सब घर, लेकिन यहाँ तो सबका कलर आधा निकल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाएंगे। ये मैं इसे प्रोनाउंसिएट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब बहुत मतलब लोग आए हैं फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, देखने के लिए ये चर्च, मतलब सब सजेस्ट कर रहे थे यहाँ पे जाना, तो हम लोग इधर आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, फ़ोटो वगैरह खींच के फिर निकल के जाएंगे। लेकिन इससे पहले नहीं, चर्च अभी बंद है, पूछा था ये चर्च खुलता है या नहीं, वो तो सही से मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी ये चर्च बंद है। चर्च में और यहाँ पे अभी मतलब वहाँ पे जब गए थे नो एंट्री का बोर्ड मतलब लगाया गया है, तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए। और पता नहीं वो एक्चुअली एज यूजुअल बंद हमेशा रहता है या ऐसे टाइम होने के बाद वो बंद करते हैं, वो तो नहीं पता है। तो और दूसरी बात है, यहाँ पे ड्रेस कोड है, मतलब रिसेंट ड्रेस पहन के आएंगे तो ही एंट्री होगा, नहीं तो ये शॉर्ट्स वगैरह ये सब अलाउ नहीं करेंगे। तो हम लोगों को ये तो पता नहीं था कि शॉर्ट्स वगैरह अलाउ नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली मंदिर में ये सब होता है कि हम लोग ड्रेस कोड को लेके कुछ ना कुछ रहता है कि हाँ ऐसे पहन के जाना है, ऐसे करके जाना है, लेकिन यहाँ पे भी ये सब है, ये हमको भी नहीं पता था। तो सही है, सबके टेंपल में कुछ ना कुछ होता है, तो क्रिश्चियन लोग भी अपने चर्च में ये सब रख सकते हैं, अच्छी बात है। अभी हम लोगों का घूमना ख़त्म हो गया, तो अब हम लोग रूम जा रहे हैं। आज का दिन भी ख़त्म हो गया और बहुत मज़ा आया पूरा दिन आज। तो चर्च तो ओपन नहीं था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज का अभी ख़त्म करें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बाय।